हेलो टू माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बहुत ही चटपटी चीज़ बनाने वाले हैं जो आप लोग को ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बोल ले लेंगे, उसमें एक बड़ी कटोरी मैदा लिया हुआ है। उसके बाद उसमें एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेंगे, एक बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे, हाफ टेबल स्पून ऑफ लाल मिर्ची डाल रहे हैं। उसके बाद सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने हाथों को यूज़ कर लेंगे क्योंकि स्पून से पूरा हो नहीं पाएगा। पहले तो रफली करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा इस तरीके से डो रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद ये हो जाएगा तो हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेंगे। तब तक हम स्टफिंग की आलू रेडी कर लेते हैं। पैन को मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे। इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डाला है, हाफ टेबल स्पून ऑफ जीरा, हाफ टेबल स्पून ऑफ साबुत धनिया, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। वैसे स्टफिंग के आलू तीखी रहती है तो समोसे अच्छे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता लिया है, 10 से 15 पत्ते हैं, इसको कट कर लिया है छोटा छोटा। उसके बाद हम हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, हाफ टेबल स्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ अमचूर पाउडर। उसके बाद ये 3 बड़े आलू थे, इसको बॉईल करके मैश करके रखा हुआ है, इसे डाल लेंगे। सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे आलू, स्टफिंग के आलू रेडी हो जाएंगे। ये ऊपर से थोड़ा आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है, फिर धनिया की पत्ती डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारी स्टफिंग की आलू रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम जल्दी से छोला प्रिपेयर करेंगे। उसी पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे, हाफ टेबल स्पून ऑफ जीरा डाल लेंगे, हाफ टेबल स्पून ऑफ साबुत धनिया भी डालेंगे। मटर के छोले में साबुत धनिया अच्छी लगती है। उसके बाद मिर्ची लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी, हाफ टेबल स्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर ले रहे हैं, हाफ टेबल स्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ अमचूर पाउडर, और ये थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किप मत करिएगा, डालिएगा हींग, 1 पिंच हींग। उसके बाद ये मटर है, रात को भिगाया हुआ था और सुबह 4 से 5 सीटी लगाकर इसे भी बॉईल करके लिया हुआ है। उसके बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि छोला बाद में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिला देंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। ऊपर से हरी धनिया से गार्निश करके गैस को आपको मीडियम से लो फ्लेम पर रखना है। और ऑलमोस्ट हमारे छोले भी रेडी हो गए हैं। 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक देंगे ताकि सारे मसाले छोले सब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम यमी टेस्ट कर दें हमारे लिए। देखिए हमारे छोले एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं। इसे हम साइड में कर लेंगे। फिर जो हमने आटा रेडी किया है उसे हाथों की हेल्प से अच्छे से गूँथ लेंगे एक बार और। फिर उसके बाद इस तरीके से उसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। थोड़ी बड़ी करिएगा क्योंकि बीच में से हम कट करेंगे ना समोसे के लिए, तो थोड़ी बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं। उसके बाद इसे अच्छे से सर्कल में बेल लेंगे प्रेस करते हुए। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। उसके बाद इस तरीके से बीच में से काट लेंगे। उसके बाद इसके एक स्लाइस लेंगे और समोसे का शेप देंगे। कोन को नीचे से भी थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि वो खुले नहीं। फिर उसके बाद ऊपर से हम इसमें आलू की स्टफिंग डाल देंगे और उसे इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करेंगे। अगर ये कभी कभी बाय चांस फोल्ड नहीं होता है तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा के फोल्ड करिएगा, एकदम अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपने सारे समोसे रेडी कर लेंगे। पैन में तेल ले लेंगे, तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे ताकि हमारा तेल जल्दी से गर्म हो जाए। उसके बाद मीडियम पर कर दीजिएगा। फिर उसमें हम एक एक करके अपने समोसे डालेंगे। दोनों तरफ से पलटकर अच्छे से समोसे को तल लीजिएगा। आप चाहें तो इसे पहले
शैलो फ्राई करिए, उसके बाद शैलो फ्राई करके निकाल लीजिए, उसके बाद फिर से इसे डीप फ्राई करिए। इससे क्या होगा कि अगर आप लंबे समय तक, अगर आप थोड़ा बाद में खाना चाहें तो देर समय तक ये क्रिस्पी रहेगा। अगर तुरंत आप खा रहे हैं, तुरंत सर्व कर रहे हैं किसी को, तो फिर आप ऐसे वन स्टेप प्रोसेस में करिएगा। समोसे रेडी हो चुके हैं, चाट भी बना सकते हैं इससे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।